ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 5वां पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है, जो कारण है हमारे इस वीडियो को बनाने का। पहला, कॉर्निया क्या है। दूसरा, कॉर्निया खराब होने पे क्या किया जाता है। तीसरा, कॉर्निया कहां से लिया जा सकता है। चौथा, फ्यूचर में कॉर्निया कैसे मिल सकेगा। 5वां, लोग कॉर्निया दान क्यों नहीं करते। कॉर्निया हमारी आंख की सबसे पहली लेयर होती है। ये ट्रांसपेरेंट और बहुत ही नाजुक होती है, इसीलिए अगर थोड़ी सी भी चोट हमारे कॉर्निया को लगती है तो ये हमारी रोशनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। खास तौर पे बच्चों में, खेलते खेलते में उन्हें यदि कॉर्निया पे कोई चोट लग जाती है तो जिंदगी भर के लिए रोशनी खराब हो सकती है। सो कॉर्निया एक बहुत ही संभाल के रखने वाली चीज है, जिसे हमें बचा के रखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का कॉर्निया ओपेक हो जाता है या खराब हो जाता है तो हमारे पास फिर एक ही चॉइस बचती है कि हम उस कॉर्निया को रिप्लेस करें। और कॉर्निया के रिप्लेसमेंट के इस सर्जरी को केराटोप्लास्टी कहते हैं, और उस पेशेंट के खराब कॉर्निया को एक नए कॉर्निया से, जो कि ट्रांसपेरेंट है और जो पेशेंट का विजन रिकवर कर देगा, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। कॉर्निया प्राप्त करने के 3 सोर्सेस हैं हमारे पास। सबसे पहला और ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो होता है कॉर्निया डोनेशन। कॉर्निया हमें रिट्रीव होता है डेथ के बाद किसी भी इंसान से, जो उसे दान करने की पहले से कंसेंट देके जाते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ सिंथेटिक मटेरियल हैं जो कॉर्निया के रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में यूज होते हैं। और तीसरा और लेटेस्ट मेथड जो अब अवेलेबल होने वाला है वो है 3D बायोप्रिंटिंग। सो बायोप्रिंटिंग से भी कॉर्निया क्रिएट किया जा सकता है और वो केराटोप्लास्टी या कॉर्निया रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बायोप्रिंटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है 3D बायोप्रिंटर। इसकी मदद से हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को फ्यूचर में बायोप्रिंट कर सकेंगे। इसका मतलब बॉडी ऑर्गन्स अब लैब में बनने शुरू हो जाएंगे। पहले किडनी और लिवर तो बायोप्रिंट किए जा चुके हैं, और अब आंख के लिए कॉर्निया भी बायोप्रिंट किए जा सकते हैं। कॉर्निया को बायोप्रिंट करने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, और इसको बायोप्रिंट करने के लिए टेक्नोलॉजी को काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ा। और इसके लिए कॉर्निया के स्टेम सेल्स को ही यूज़ किया जाता है इंक की तरह, जिसे हम कहते हैं बायो इंक। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये बायोप्रिंटर काम कर रहा है और ये लेयर बाय लेयर किसी भी चीज को बना सकता है। यहां डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसे हाई स्पीड पे दिखाया गया है, समझाने के लिए कि किस तरह से अगर हमें एक लिजर्ड बनानी हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। और वैसे एक कॉर्निया बनाने में भी कोई 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। कॉर्निया की बायोप्रिंटिंग में इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी लीड ली है। इंडिया के हैदराबाद शहर में LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और IIT हैदराबाद ने मिलके कॉर्निया की बायोप्रिंटिंग कर ली है, और इस बायोप्रिंटिंग से जो कॉर्निया बना है उसे उन्होंने एक रैबिट में ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। सो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है रैबिट्स में, तो उम्मीद है कि कुछ सालों में इसे हम ह्यूमंस में भी ट्राई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करें कि फ्यूचर में कुछ ही सालों में हमें कॉर्निया भी फैक्ट्री मेड, यानी कि बायोप्रिंटिंग, 3D बायोप्रिंटिंग से बने हुए कॉर्नियाज भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जो लाखों लोग कॉर्निया की इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें दान किया हुआ कॉर्निया अवेलेबल नहीं होता, उन्हें फैक्ट्री मेड 3D बायोप्रिंट कॉर्निया अवेलेबल हो जाएगा। कॉर्निया को ठीक करने के लिए कॉर्निया चाहिए किसी ह्यूमन बीइंग का, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट कॉर्नियाज की होती है वो फुलफिल नहीं होती है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग सालों तक कॉर्निया का इंतजार करते रहते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहां करीब 10 लाख लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कॉर्निया के लिए। और पिछले साल जबकि ये कॉर्निया प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़ भी गई थी तो भी सिर्फ 45,000 कॉर्निया मिले।
इस तरह तो जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हें करीब 20 साल तक वेट करना पड़ेगा अपने कॉर्निया को रिप्लेस कराने के लिए। और अगर इसे हम दूसरी नजर से देखें तो इंडिया में हर साल करीब 9.5 लाख लोगों की डेथ होती है, और यदि सभी लोग अपना कॉर्निया दान कर दें तो हमें करीब करीब 19 लाख कॉर्नियाज अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। सो हमारे देश की पूरी कॉर्निया की रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 महीने में होने वाली सारी डेथ्स में से अगर कॉर्निया दान किए जाएं तो पूरी हो सकती है। तो इस बारे में जरूर सोचें कि आपके दी हुई दान की वो चीज जो ऑपरेशन के बाद 2 लोगों को रोशनी दिलाएगी, उसे देने में क्या हिस्सा है। और कॉर्निया तो हमेशा डेथ के बाद ही दिया जाता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉर्निया दान करने के बारे में लोगों को कई तरह के भ्रम रहते हैं। एक भ्रम तो ये भी है कि अगर इस जन्म में उन्होंने अपना कॉर्निया दान कर दिया तो अगले जन्म में वो बिना कॉर्निया के पैदा होंगे। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी नेगेटिव थॉट के अपने कॉर्निया को दान करने का आज ही फैसला कीजिए।